हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में थीम टू किंग फार्मर टाउन्स के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ और तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले एक मैप देख रहे हैं जिसमें आपको अशोका इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया है। तो थ्री टाइप ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें से कुछ जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के द्वारा बनाए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जैसे यहाँ वेस्ट में देखिएगा, गुजरात में गिरनार, महाराष्ट्र में शोपारा और मध्य प्रदेश में सांची और यहाँ जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की साइड में रुम्मनदेई अभिलेख है जो कि पिलर इंस्क्रिप्शन है, और मेजर रॉक एडिक्ट्स में कालसी जो कि यहाँ इसके उत्तराखंड के आसपास है, और फिर सीधे अपर साइड में तक्षशिला, मानसेरा, सहनबाज गढ़ी, ये जो अभिलेख हैं, और एक सारनाथ, ये अभिलेख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको मैप में रेडी करना है। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, कि मौर्यन एम्पायर को हम किस तरीके से उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव द अम्पायर, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन अम्पायर में चलता था, क्या सभी जगह सेम प्रोसेस से अम्पायर चलता था, सेम एडमिनिस्ट्रेशन था, या फिर कुछ उसमें वेरिएशंस थे। वेरिएशन ज़रूर होने की संभावना है क्योंकि हिलिटायरन और लैंडफॉर्म्स, स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज अलग अलग होने के कारण जो समाज, जो डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। इट इज़ लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स। जो मेन प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए गए थे बच्चों, वो बहुत चूज करके बनाए गए थे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो राजधानी के, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, उसके आसपास का एरिया बहुत स्ट्रांगली यूनिफॉर्मली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता हो, और जो प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए थे इन्होंने 5, तक्षशिला, तोशिली, सुवर्णगिरी, ये इनमें जो है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग और एक यूनिफॉर्मिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता होगा। दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन, बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी बींग सिचुएटेड ऑन द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग रूट्स, लॉन्ग ट्रेड रूट्स, वाइल सुवर्णगिरी वॉज पॉसिबली इम्पॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। तो इसलिए ये जो सेंटर्स बने थे, ये इकनॉमिकली इम्पॉर्टेंस के थे, और इसलिए इन ऐसी जगहों पर जो उन्होंने प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए थे, इनको बहुत महत्व दिया जाता था, और जो मेन जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे वो इन प्रोविंशियल सेंटर्स पे अपनी कैप्चरिंग बनाए रखते थे, और जो शासन है वो इस तरीके से भारत का एक ज़्यादातर हिस्सा जो था वो उनकी कैप्चरिंग में रहता था। यहाँ देखिए, एक आपको फ्रेमवर्क दिया गया है, व्हाट वाज द किंग्स ऑफिशियल डेट, ये मेगास्थनीस की इंडिका बुक जो उसने फेमस लिखी है उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और इसको आपने पढ़ना है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो है ये किस बुक का एक्सट्रैक्ट है, किसने इस बुक को लिखा है, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या क्या कार्य है, कितनी कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते थे, होते थे उस समय ये एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये सब जो है इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट को पढ़ोगे तो उसमें से आपको कुछ इसके मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जैसे
कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वर वाइटल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एम्पायर। ऊपर जब आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसमें नहरों की देखरेख की बात कही गई है, उसमें जो है अदर ऑफिशियल्स देखिए सुपरवाइज द सुपरिटेंडेंट द रिवर्स मेजर द लैंड्स, तो इसका मतलब एंड इज़ डन बाय इन इजिप्ट, जैसे इजिप्ट में होता था वैसा ही जो ऑफिसर हैं वो यहाँ उस सारे पैटर्न को देखते थे कि रिवराइन रूट्स किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है सामान। तो कम्युनिकेशन जो था वो दोनों तरीके से होता था, लैंड रूट से भी होता था और रिवराइन रूट से भी होता था, ऐसा हमको इस एक्सट्रैक्ट में देखने को मिलता है। और ऑफिशियल भी वैसे ही वर्क करते थे, हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को सुपरवाइज करना, और अपने से जो छोटे स्तर के जो ऑफिशियल होते थे उनको कंट्रोल करना, उनसे वर्क करवाना, ये सारे उनके काम रहते थे। सो जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव बीन टेकन इफ़ नॉट मंथ्स, कई बार हफ्तों में महीनों में इस प्रकार की यात्राएं कंप्लीट होती थी जो कि सेंटर से लेकर प्रोविंस तक की जाती थी। प्रोविंस जहां पर राजा के एम्प्लॉई या राजा के मिनिस्टर्स उस जगह को चला रहे हैं, गवर्नर्स, उस समय में गवर्नर्स होते थे, तो गवर्नर्स उस प्रोविंस को चला रहे हैं, वहां से लेकर सेंटर तक, सेंटर से पूरी कमांड को लाना, आदेश को लाना और वहां तक, वहां फिर उसको उस एरिया को, उस प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेट करना। तो इस ये जो जर्नी है ये लैंड रूट और रिवराइन रूट दोनों से ही कवर की जाती थी। दिस मीन्ट अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वर ऑन द मूव, और जो जो गुप्तचर जो थे वो इस काम में इस काम को करते थे, मैसेज को इधर से उधर पहुंचाते थे, उनका विशेष ध्यान रखा जाता था और उनके लिए विशेष जो इन सिस्टम यानी कि सराय गेस्ट हाउस का सिस्टम होता था और उनकी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता था। इट इज़ ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर एंश्योरिंग द लैटर, और इस कम्युनिकेशन सिस्टम में आर्मी का बहुत अच्छा यूज़ होता था। मेगस्थनीस मेंशन अ कमेटी विथ 6 कमेटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी ऑफ दीज, जो मेगस्थनीस ने अपनी इंडिका में जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वो 6 कमेटीज़ एक आर्मी के अंदर का वर्क करती थी ऐसा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जिसमें कि जिस 6 कमेटीज़ में ऑफ दीज 1 लुक आफ्टर नेवी एंड द सेकेंड मैनेज द ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस। हालांकि जो सेकेंड वाली नेवी थी, सेकेंड वाली जो कमेटी थी आर्मी में, उसका वर्क बहुत ज़्यादा वर्क था उसके पास। द थर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड सोल्जर्स एंड फोर्थ फॉर द हॉर्सेज एंड द फिफ्थ फॉर द चैरियट्स एंड द 6th फॉर द एलिफेंट्स। द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंड सब कमेटी वर रैदर वेरी अरेंज, क्योंकि उन्हें बुलक कार्ड्स अरेंज करनी पड़ती थी प्रॉपर इक्विपमेंट्स पहुँचाने के लिए, और जो फूड मटेरियल था, फूड ग्रेन्स थे उनको लाने के लिए, प्रोक्यूरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉर्डर फॉर एनिमल्स एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिशंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। तो जो मेन जो आर्मी का मैनेजमेंट था, जो मेन मुख्य रूप से वो था सेकेंड कमेटी, सब कमेटी के हाथ में, और बाकी जो अदर कमेटीज थी वो अपना अपना वर्क करती थी। अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपगेटिंग धम्मा, द प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन वर वेरी सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड एंश्योर द वेलबींग ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। स्पेशल ऑफिसर नोन एज धम्मा महामात्या वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। अशोका ने अपने अम्पायर को टेरिटोरियल एक्सटेंशन के साथ साथ उसने प्रोपगेटिंग धम्मा पर भी विशेष बल दिया है। उसकी जो इंस्क्रिप्शन है वो ये बताते हैं जहाँ जहाँ पाए गए हैं वहाँ वहाँ वो इस बात की जानकारी देते हैं कि जो ये धम्मा के सिद्धांत थे ये यूनिवर्सल थे। यूनिवर्सल मीन टू से सभी को, सभी की लाइफ को अच्छा करने के लिए, सभी की लाइफ को एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए, सभी की लाइफ को
आचरण, उनका कंडक्ट, राइट कंडक्ट के लिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल मैसेज थे और कोई भी इनको अडॉप्ट कर सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्प्रेड करना इस बात की ओर इंडिकेशन देता है कि अशोक चाहता था कि उसका जहाँ तक अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक के लोग जो हैं वो धम्मा को एक्सेप्ट करें। दिस अकॉर्डिंग टू हिम, ये उसके लिए, उसके लोगों के लिए बहुत अच्छा धम्मा का आचरण जो था वो उसके और उसकी प्रजा के लिए एक अच्छा जीवन देता था उनको, ऐसा उसका सोचना था। और इसके लिए उसने धम्मा को स्प्रेड करने के लिए महामात्या, धम्म महामात्या वॉज द पोस्ट अपॉइंट किए थे, लोग अपॉइंट किए थे इस पर, मिनिस्टर्स अपॉइंट किए थे धम्मा महामात्या के रूप में, जो कि स्प्रेड करते थे धम्मा का मैसेज।